गुड मॉर्निंग मित्रों, की हाल चाल है? आ भी व्लॉग की स्टार्टिंग हैगी खूसले। हम आप जाना जगी भाजी तो एक आप जावे एल्टीनेटर फट के जाने अपने, वो पुड़ी बदलनी दी थी, वह बदल गई है। एल्टीनेटर भी दिखा तुम्हें, वो फिर मड़ के रमन तो बनवा के दिए पत्तियां। हम पहले आप जगी भाई के चलते स्टिकर जहाँ कढ़ाने, हाँ फोन से आप बना लिया जी, आ लोगो इंस्टाग्राम का यूट्यूब का भाजी कटन गए। हम लोगो भाजी ने पेपर मंगाया, मैं लगता नहीं हजे हो आया, नहीं हजे नहीं आया। आया भाजी वो पेपर ज नहीं? हजे नहीं आया। आ कढ़ा के तो आप एल्टीनेटर फड़ने, एल्टीनेटर फड़ के तो चलिए पैनल में। बन गए अपने स्टिकर जी, हम आप जाना एल्टीनेटर आए भाजी तो उत जाए दिखाने। हाँ स्टिकर तो नाल दो है यूट्यूब वाले, दो इंस्टाग्राम वाले, ये जाके लाने छदी छुदी साफ करके। हम एल्टीनेटर वाले भाजी तो फड़ी एल्टीनेटर दो आने फड़ के चलीए, देख लेंगे रमन का जो अज टाइम हो अच पत्ती जी बनवा, नहीं तो कल बनवा लेंगे। तो प्लेसमेंट की वीडियो होगी पूरी डिटेल चाहिए। अपने आ गया एल्टीनेटर, आ है सफारी का 120 एम्पेयर वाला, 125 एम्पेयर का, तो आ है BMW का 225 एम्पेयर, ये पाऊ तक पूरी। हुण जाके ये कराने, आप देखते हैं फिटिंग, देखते हैं कितने आऊगी यदि, क्योंकि यदि पत्तियां होर तरह बननिया आ चीज़ा तो। ये आ गया, ये आप दते यी पुली नहीं मिलती हैगी, पुली स्पैशल बनी खराब से, और उदा सर्विस में दिता है, वो लाना आ करना ट्रैक्टर ला लेना आप जाके, अपने तो पिया ही वादू पैदा कड़ा कोई फायदा है। आया एक एल्टीनेटर, ये आप फिट करते जाके, हम जाके मिलते पिंड। अब घर आप आ गए, आ समान चक लिया सारा गड्डी चो, गड्डी खड़ी करती अंदर, ट्रैक्टर बहर कड़ लिया आप, रिफ्लैक्टर देख लो तेने इदा लाते पिछे। तो एक मिनट रुके फिर जगा के भी दिखा देना शायद जिदी सन देने नोटिस होने, तो एक मिनट वेट करो इदा ही पाने जगा लेने। कमेंट कर दे हुण किदां लगे। हुण आपां खोलणे आ आहड़ी मोनो जिहड़ी 6000 लगी अपनी, ये खोल के साइडां ते लवाउणे स्टिकर। उत्थे पहलां देख लईए चिट्टी स्प्रे मारदी है ना, जां इद्दे ला दांगे मुड़ के गांह रंग ही करावांगे, उदों ला के कर दांगे फिर। उदों हुण आपां इद्दां ला लैणी है स्टिकर, ला दईए तो मोनो ला के, तो स्टिकर ला के फिर तुहानूं चेक करवाउणा। लुक देखो बई लग गया, किदां लगा तो मोनो भी लाल ही हो गया सारा कुछ, तो खाली खाली जहा दे दें 4000 मिल गया, तो आप दो इतने फिट करते हैं, तो ज्यादा वधिया ऑप्शन आ। आ रख ली आप पैर च, पता नहीं इनू की होया हुण फिर की प्रॉब्लम दें। मोनो जो ढोआ ढवाई चल रही कदे कितों कितने, हम आप भाई दे जाके देखते चेक करा के की होया इनू। तो एल्टीनेटर तुम दस्या ही मैं पिछले ब्लॉग च भी कि जिते मेरा दिल आ, मतलब मैं चाहना आह चीज़ उपरले बने लगे इतने ये देखते हैं। आप रमन का सलाह करा, बाकी रख के भी देखा, हम आप चलते हैं मोटे भाई उन्होंने मोनो फड़ाने, देखते हैं अज मिलती है कल रिफ्लैक्टर का, कमेंट जरूर करे। हम तो की रिव्यू है रोटी पानी खाता होगा बार हम कॉपीराइट ना आ जाए अपने भी चल पी मोनो घर दे फैटो भी ट्रैक्टर लिया गया हम आप मोनो लाने लगे चला ट्रैक्टर लिया मोनो की सैट तो लगे फिट कर उधर बन दी चलरी मुड़ के आप भी बनाने चलो कर दें बाद शुरू मानो आप फिट कर लिया लाता राइटर से अपने ना हम स्पीकर खड़खड़ की आँगी आवाज़ वो भाजी कहना तार बदलू तार मैं लेके आया वो हम फिट करा हम मोटरसाइकिल चक लिया मैं चला हरमन के कोल वो करा फिर अपने उसे चलते हैं आप दिखा जाके और कर दे हम कमेंट तो फॉलो भी कर दे सारे तो सबसक्राइब भी कर लियो हम खत्ते जाए करना शुरू जे उसे होल्ड हो करूँगा नहीं नहीं जो खप करना पैंता फिर नहीं करना मैं फिर घर आ गया दिखाऊंगा दोबारा हो गया। ओह माय गॉड।
गया ओ, हो जा सेट, रुक दोबारा शुरू कर दा मैं, हो गया सेट हो गया उधर सेट। आपको जान किया था हमने अभी, नाल ही आ गए स्थान का नाम लिया और स्थान हाजिर है। अर्श मित्रो आप लगे हूँ करन स्पीकर फिट, तार पावे आप कल हूँ स्पीकर फिट कर लिए पिछे वाले, तो मोनो जी यार हजे भी फिर प्रॉब्लम आ रही माड़ी माड़ी, तो ए पता भी तारा लाव मैं तो स्पीकर कस दी पहला फिर मिल दी बबे घर आप आ गए स्पीकर चैक कर लो पिछले इन्हें बस इन्ना फर्क है ट्विटर पिछले रेड दसदा आ ब्लैक ही आ पूरा आवाज सिरा आवाज वाली तो एन एंड होगी हाँ ला लो इन्ना हो गया आ कि जिन्ना क सिस्टम लगा आ उदा तै मतलब जिन्ना क दिसना उन्ना क लगा हुआ समान अपने क्योंकि लाल मोहरों दिसना होता तो पिछों ये दिखती चीज़ आ मोनो मानो आप कल है ना ना भी तो आप ला के बदल देनी है जे दिन भाजी को कहे तारा एक बार चेक कर ला तारा जो कि कोई लगता तेन डाउट तो बदल दे तार रात वाली लुक देख लो ये तो मेरा भरा रील पाई है इंस्टा से वो चेक कर लो तो हम आप मिलते हैं सवेरे तो वीडियो में शेयर भी कर दो तो लाइक भी कर दो सारे जने तो अगे बाबे एक चीज़ दसने वाली रह गई थी मैं बंद करता है आप अड़े हथ ले चार बूफर ने S4 लगे आ देने आ तो देना 3800 का एक पीस देना 3800 का सो जे कि लेने तो कमेंट कर दो चार बूफर आए देने आप D4 लाने क्योंकि उदा वधिया वजदे आ पर उनकी मैचिंग नहीं गई नाल कोई तो आप थले बूफर बदलता जो खराब है वो तो बदल गया अपना हाँ जी मेरे भरा कि ने लेना तो कमेंट जरूर करो ये हम सवेर में मिलते भी आप नैक्सट डे सीधा शुरू कर लगे घरों है ना आ लाना कर अल्टीमेटर मेरी फिटिंग सीधी हो जानी मैं लवा दो नट जे उपरला ये सफारी तो आता सीधा ही फिट हो जाता आह चीज़ा से आह चीज़ थोड़ी बदनी इतने बच्चे नट पा के तो अपने वाला मैं कहने दिखा दीए तेरी हूँ ये सारे अपोजिट ही आ ज्यादा मान लो मरसड़ी मुरसड़ियों ज्यादा इदा का आता गला उन्होंने ब्लॉक ना बनया हों मैं मरसड़ी मुरसड़ियों ज्यादा देंदे इदा दे ये चीज का बहुत फर्क है अपने तो लोग तो स्टिकर ढा के कहते BMW सही गल आ लाइए बस ये तार दा ही है तार आप कल फड़ लिया या करन फड़ लियाऊगा ये लग जूगी की चीज ओह तार तार ही पैणी चलो मिलते हैं हां मैं कहता धन्यवाद सीधा कटया जाना नाले सोखा काम कोई सर दा कोई का नाले बेल्ट भी आई हां बेल्ट भी यही चल जाना सर जणा सर कुछ नहीं पा ओदा वो अगर उन्हें कीते चेक चुक ਐਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਰੇਲਾ ਐਨ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮੋ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੋਤਾ ਜਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਖਿੱਚੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਲਫ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਮਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੱਡੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇ ਰਮਨ ਜੇ ਕਰ ਦੂ ਫੈਟਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ आ चक लिया आप अल्टीनेटर यदि फिटिंग मैं तुम्हें उत्थे जाके दसदा भी सरप्राइज ही है एक हजे तो ही नहीं मैं लगता किसी ने इदा लाया होगा जिदा आप लाना है इन हम इतने फिट कर लव तो ट्रैक्टर की मार दी सैल्फ के थोड़ा जहा गर्म हो जाए लाइट चेक करा दिना कई बार फिर हम तो नहीं रही कमेंट कर दिया दब के भी पता लगता ठीक है जी हम मैं पौड़ी पौड़ी साइड से करा ट्रैक्टर क्ढा तो रमन दे जाए करता मैं ब्लॉग शुरू मित्रों इतने लाने का अल्टीनेटर विचार आ चीज़ के अंदर शो आप खोलती आगे चार नट जे इतने लग गया हो जू सिरा जी ना लगा पे तो है हाँ अंडरग्राउंड वाले किसी को पता नहीं लगेगा जे आप लानी पी ना फटी जी ये ला देंगे तो दोबारा बेंड करा के ना इन पिछली पूरी नाल कर देंगे वो तो तेरे डैंपिंग शीट ला देंगे गराब ना हो सही कि नहीं हम आप रमन में पहुंच जाए पत्तियां पुत्तियां बन जू किसी तरह तो ठीक है नहीं तो फिर कोई नवा तरीका लभ लाँगे तो कोई ना कोई इनवेंशन फिर बाहर इतने थलड़े बन्ने आ जूगा ये पर मेरा वो मन नहीं मैं कहता इतने बाहर कंप्रैशर ला देंगे तो कारण भी शायद अच्छे फिट करे वो ब्लॉग देख लियो तो आप हम सैटिंग कर लीए फिर दिखा तुम जो सैटिंग आ गई तो कि पत्तियां बनूंगी कि फिटिंग होगी पूरी डिटेल चाहिए बढ़ता नवा ही अल्टीमेटर ਇਹ ਉਹ ਬੜੇ ਆਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਰੀਲ
ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜੂਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਗੜ ਰੋਗੜ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਗਾੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਵੀਰੇ 6000 ਵਾਟ ਜਾਂ 4000 ਵਾਟ ਇੰਟਰਫਾਇਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰੰਗ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾ ਜਾਇਆ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ 0-0 ਰਮਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਟ ਪੜਨ ਆਏ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੀ ਚੂੜੀ ਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਮਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਛੇਕ ਛੂਕ ਮਰਾਈਏ ਫਿਰ ਨਾਟ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਫਿਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਡਾ ਐਨ 0-0 ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਗੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੇਕ ਵੱਜਣਗੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਗਾੜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਆਹ ਨਾਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨਾਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇਟਰਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨੀਗਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਵੇਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਗਾੜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਗਾੜ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਕ ਛੂਕ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਆਹ ਥੱਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਅੰਦਰਲੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਆ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਮਕ ਉਹਦਾ ਚਮਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੈਲਫ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਨੇਟਰ ਲਵਾਉਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇ ਲੱਭਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਪਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਰੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਠੰਡਾ ਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੋਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਲਵਾਈਏ ਵੀ ਕਰੀਏ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦਾ ਆਈਟਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪੱਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਨਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਜਗਾੜ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਆੜੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦੂਗਾ ਰਮਨ ਆਪੇ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਟਾਪਾ ਜਿਹਾ ਨਟਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਦਿਓ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਣਨਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ ਰਮਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਲੜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁਲੀ ਦੇ ਲਿਓ ਐਨ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਉਨੀ ਕਿਤਾ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੋ ਨਿਕਲ ਜੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਗਾਂਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆ ਜੂ ਰਮਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿੱਟ ਦਾ ਚਲੋ ਕਰਾ ਲਈਏ ਆ ਫਿੱਟ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਲੈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਜਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਗੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲੈ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
इना दूर मैं ट्रैक्टर खड़ा रमन खड़ा पूरी हवा पी रमन कि हवा निकलती बुफरा चे बुफरा च हवा कि निकलती आ गर्मी ने पखे दी यार एक ना बेचारे कुत्ते ना धक्का जहा मान लो गड्डी चढ़ा गया कोई तो यार वो तो तुर भी नहीं होता लाज ते भी पैसे इन्हें लग गया तुर फिर नहीं होता बेचारे तो देखो कितना दुखी है। चलो आप फिटिंग कराइए तो पप्पे बाकी काम बाद च होने ये ब्लॉग आप एंड कर देना आ मतलब हम नहीं मतलब जो यार पूरी फिटिंग होगी तुम दिखा के ना फिर एंड करूँगा क्योंकि मुड़ के ब्याह आ जाना दो दिन सो अपने कर नहीं होना मैं क्या ब्लॉग पा दिए पहला जो ना यार पूरी फिटिंग होगी जीरो जीरो फिर आप घर जाके रंग मारा रंग दे दूंगे तुम्हें ब्लॉग मुड़ के फिर मैं एंड करूंगा फिर थैंक यू पहला तो आ देखियो फर्क करागरी का लोग ना बहर तो अंदर लगे फर्क सपोर्टा भी एन पूरी घेंट बन गई तो जिन्हें भी हम बना आ मतलब सपोर्ट तो होलन तो इतों लग गए दूजी अल्टीनेट वाली लग सकती है वो आप पहले नटा चीज कस्तीमेंट भी वो थले वाले की हो जाएगी क्योंकि झरी आ मतलब जिन्होंने झल भी कह देंगे झरी कह देंगे बहुत गल्ला कहते लोग अलाइनमेंट होगी जीरो जीरो वो कर दौन देख लो टर्बो लाई बंद ने हत करवा दिया गड्डी के चलो हम घर जाके अपने दोबारा खोलते हैं एक बार फिर रंग मारते हैं फिर फिट करते हैं देख लो भी हो गया पार्ट एन डन मतलब रंग हो गया सारे एल्टीनेटर है तो दो पत्तियां वो का जी फिनी देख लो रंग की उत्तर ओरिजिनल एजेंसी का रंग आ शोरूम च मिल जाना मतलब की नाम का मतलब जितने मतलब ट्रैक्टर मिलते एजेंसी चो ये मान लो 465 रुपये की मिल मतलब एम आर पी आ कई बार थोड़े बहुत घट वो भी मिल जाती है पहले मैं कोल इन्ना साफ करते हुए दाग जहा लगे है कहते पेट्रोल नहीं मारी दा बेच दे फिर मैं साफ नहीं किया तो बाकी पता भी नहीं कर सकते या नहीं मैंने पता हूँ ये आप मारता आ यह है 220 एम्पीयर का तो आप पाया ये लगभग फिटिंग फुटिंग करके 22-23 हज़ार पै जाना आप 220 एम्पीयर का हम मेरा भरा कमेंट कर दौ कि ट्रैक्टर कि मतलब फिटिंग कि लगी है सिंपल फिटिंग आ दोवें नटा तो हम मैं वो भी तुम इतना खुले से भी दिखा दिना कितने कितने नट आ खड़ा ट्रैक्टर इधर तो एक नट लगना इतने ये आह जगह तो दूजा इतने उपर लग जाना आ प्लेट जी लगी होंगी खोलन दे तो बाकी और आप कितने जिदा पिट नहीं किया बाकी देखा मैसी भी खोल के जिदा हम किया दोबारा लगे उत्ते कन जो वे भी कि अंदर जगाड़ आता हो भी करा वधिया तरीके फिटिंग हूँ मेरा भरा कमेंट कर दौ सारिया चीज़ा के तो उदा भी शेयर कर दौ सारे लाइक कर दौ तो मिलते हैं नवे ब्लॉग के।